प्रिय मित्रों, मेरी हार्दिक शुभकामना आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, स्वस्थ मेरी यही प्रार्थना। जैसा आपको मालूम ज्ञात है, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र नाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस आस्था प्यार के साथ आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभार हूँ। आज एक बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा हूँ। सूर्य बुध मंगल शुक्र ग्रह की सूर्य बुध मंगल शुक्र ग्रह की कुंडली के किन किन राशियों में आपको महापाकशाली प्रशासनिक अधिकारी उद्योगपति बनाता है, जिसके मेष राशि में सूर्य बुध मंगल शुक्र की युक्ति हो, ऐसे लोग प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, उद्योगपति बनते हैं, समाज में पूजी जाते हैं। जिसकी कुंडली में वृषभ राशि में सूर्य बुध मंगल शुक्र की युक्ति हो, ये पूर्ण भाग्यवान होते हैं, अच्छी उन्नति करते हैं, देश विदेश में नाम फैलाते हैं। जिसकी कुंडली में कर्क राशि में सूर्य बुध मंगल शुक्र की युक्ति हो, ये बचपन से ही चतुर्चनाक होते हैं, ऐसे लोग रंग से राजा बनते हैं, महाभागशाली होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं। जिसके कुंडली में सिंह राशि में सूर्य बुध मंगल शुक्र की युक्ति हो, ये पूर्ण विद्वान होते हैं, अच्छी शिक्षा पाते हैं, देश विदेश में नाम फैलाते हैं। जिसकी कुंडली में तुला राशि में सूर्य बुध मंगल शुक्र की युक्ति हो, ये ऐसे लोग अकस्मातिक पद पाते हैं, ऐसे लोग IAS IPS बनते हैं, उद्योगपति बनते हैं, राजनेता बनते हैं। जिसके कुंडली में धनु राशि में सूर्य बुध मंगल शुक्र बैठा हो, ऐसे लोग देश विदेश में नाम फैलाते हैं, महाभागशाली होते हैं, अच्छी इज्जत प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं और इनका जीवन पूर्ण सुपर होता है। जिसके कुंडली में मकर राशि में सूर्य बुध मंगल शुक्र बैठा हो, ऐसे लोग बचपन से महाभाग्यशाली होते हैं, कभी कर्जदार नहीं होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, उद्योगपति बनते हैं, राजनेता बनते हैं। जिसके कुंडली में कुंभ राशि में सूर्य बुध मंगल शुक्र बैठा हुआ हो, ये अचानक उन्नति करते हैं, अचानक धन की प्राप्ति करते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, ऐसे लोग स्वयं का निर्माण करते हैं, महाभाग्यशाली होते हैं, अपने जीवन का सोच अपने जीवन के सोचे हुए सभी कार्य को पूरा करते हैं, राजा के समान जीवन व्यतीत करते हैं। ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, तो सुनिए, इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मेरे प्रत्येक प्रोग्राम में मैं फ़ोन नंबर दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ, संपर्क कर सकते हैं। कोई मित्रगण अपनी कुंडली का मुझसे विवेचन कराना चाहते हैं तो मेरे फ़ोन पर संपर्क करिए, मेरे नियम का पालन करेंगे तो मैं विवेचन करूँगा। आप लोग की सुविधा के लिए मैं फ़ोन नंबर बोल रहा हूँ, मेरा फ़ोन नंबर 9425308111। इतना करते प्रोग्राम को समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार, सुबह शुभ।